आज की तारीख में आउटसाइड या जंक फूड लवर्स की कोई कमी नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई स्ट्रीट फूड का दीवाना है, लेकिन इनमें कुछ लोग वेज होते हैं तो ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। नॉनवेज की बात हो ही रही है तो उसमें लोग मच्छी या फिश खाना काफी हद तक पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस फिश को आप बड़े आराम से शॉप्स या रेस्टोरेंट में बैठकर स्वाद से खाते हैं, उसे पकड़ने के लिए मच्छीमारों को कितना रिस्क उठाना पड़ता है। नॉनवेज फूड लवर्स को फिश की एक से बढ़कर एक वैरायटी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन उसे मार्केट तक पहुंचाने वालों को इसके लिए अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। आज श्रेष्ठ भारत की टीम ने ऐसे ही कुछ मच्छीमारों से बात की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। आज मैं आई हूँ अलीबाग यानी रायगढ़ जिले के अलीबाग के अक्षी बीच पे। अक्षी बीच यह मच्छीमारों का सबसे ज्यादा और किफायतदार ऐसा बीच माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मच्छीमारों की बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार भी उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं कर रही है, किसी भी तरह की सेवा नहीं दे रही। आइए मच्छीमारों से बात करके जानते हैं उनकी पूरी तकलीफें। समुद्री दुनिया में जीने वालों की दुनिया हम लोगों से काफी अलग होती है। इन मछुआरों की माने तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी पानी का तेज बहाव या फिर कभी बड़ी नौकाएं मछुआरों और छोटी बोट दोनों को निगल जाते हैं। फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये मछुआरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए मच्छी मारी जैसा रिस्की काम करते हैं। लेकिन उससे पहले ये हर दिन अपनी नौका की पूजा करते हैं और उसके बाद ही अपनी बोट समुद्र में उतारते हैं। आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं? पूजा क्यों कर रहे हैं आप? वो जो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। ताकि अच्छा, तो यही हमारी सब आई मौली वगैरह सब यही है हमारा। रोज करते हैं पूजा? हाँ, जब बोट आती है, बोट छोड़ते समय पूजा करते हैं। अच्छा, जैसे घर से निकलते समय भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे बोट छोड़ते हैं, बोट की पूजा। अच्छा, आप कहीं कब ये बोट छूटेगी और कब आती है? अभी 10-15 बजे छूटेगी। आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, और आपको कौन कौन सी तकलीफें यहाँ पे आती है? यहाँ पे समुंदर में ये जो मच्छी रहती है, कुछ मच्छी रहती है उसकी वजह से। अच्छा, और आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कुछ आपने कुछ ये देखा है कि सरकार की तरफ से कुछ सेवाएं है आपके लिए, कुछ अनुदान पर मिलते नहीं है? देते नहीं। अच्छा, ये श्रीमंत लोग है। अच्छा, वो ऐसा लगता है कि कोरी लोगों के पास बहुत पैसा है। पैसा। अच्छा, ओके। और आप रोज कितने टाइम से निकलते हैं? शाम 4 बजे, सुबह 4 बजे आते हैं। अच्छा, समुद्र का खारा पानी, चिलचिलाती धूप, पानी का तेज बहाव, समुद्र की तेज लहरें, मच्छी के कांटे, कांटों का जहर, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना इन गरीब मछुआरों को रोज करना पड़ता है। इसके अलावा बड़े जहाज की वजह से मछली पकड़ने की जाली का टूटना, निशान गुम होना, साथ ही महिलाओं को कई तरह की आरोग्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसमें कोली का धंधा कैसा रहता है? सीजन के हिसाब से तो डिपेंड रहता है, जैसा सीजन रहता है वैसा धंधा रहता है। सीजन अगर हमारा दूसरा सीजन स्लैक रहता है, ये बड़े बड़े मछुआरे हमारा जाल तोड़ देते हैं, तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई भरपाई नहीं मिलती कुछ हमको, इसलिए उसमें हम प्रॉपर लॉस जाते हैं उसमें। और हमारा धंधा तो पहले से है तो हमको करना ही पड़ता है। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से कुछ सेवाएं मिलती है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं हमको मिलता है। अच्छा, तो आपने कभी अप्लाई किया है सरकार योजना के लिए? अप्लाई किया है, अभी थोड़ा थोड़ा तो अभी देने चालू किया है। इतना 20 साल से पहले कोई नहीं दे रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा मोदी सरकार है तब से हमको सरकार थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि मछली पकड़ ली और काम पूरा हो गया, इसके बाद इसे मार्केट तक पहुंचाना है और फिर उसे साफ भी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए महिलाएं ये काम मन लगा कर करती हैं।
इधर सब तरह के गिरह कहते हैं, इधर दूर दूर तक मची जाती है, गुजरात से लेके दिल्ली तक मची जाती है इधर, और इधर हमारे इधर का सब फ्रेश माल आता है। ये इधर हमारा इधर जेटी है अलीबाग का, उधर से हमारे बोट उतरती है, उधर रोज ताजा ताजा मच्छी आती है, और मच्छी के रेट कभी कम रहते हैं कभी बढ़ जाते हैं, रोज ऐसे नहीं रोज, क्योंकि ये ऐसा नैसर्गिक है, हम बोल नहीं सकते कभी अच्छा स्वस्थ रहता है कभी महंगा रहता है। और इधर सबसे फ्रेश है, देखो इधर हलवा है, सुरमई है, पापलेट है, प्रॉन्स है, सब तरह तरह के मच्छी आते हैं। और हमारा अलीबाग है और अभी मिनी गोवा है, उधर दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारे विश्वास पे मच्छी लेके जाते हैं। आपकी थाली में तरह तरह की मछली पहुंचाने के लिए कभी कभी मछुआरों को गहरे समुद्र में उतरना पड़ता है। ऐसे में जब कभी ये लोग गलती से सीमा पार कर लें, तो इनकी जान पर भी बन जाती है। दूसरे देशों के जहाज इन मछुआरों को बेहद परेशान करते हैं, कभी कभी तो पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। अभी हमारा मछुआरों का एक प्रॉब्लम है कि जब हम लोग फिशिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग 12 नॉटिकल के बाहर हम लोग फिशिंग करते हैं, बट जब बाहर से हम लोग मच्छी पकड़ के आते हैं, और जो हमारा जो यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग को मछुआरों को वहाँ पे हमको रुकवाते हैं, और तब हमको प्रॉब्लम होता है, तो वो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो अगर आप ये चैनल से हमको, अगर ये सरकार को आप अगर हमारी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो हमारे लिए ये सागर गांव में ये बहुत बड़ा मछुआरों का प्रॉब्लम है, तो आप ये चैनल से आप मेरा मैसेज आप सरकार को दे सकते हो। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो कुदरत से बराबरी नहीं कर सकता। कुदरत के आगे हर किसी को सिर झुकाना ही पड़ता है, ये बात ये गरीब मछुआरे अच्छे से जानते हैं, और यही वजह है कि ये लोग समुद्र को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार भी लगाते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले यानी कि अब मोदी सरकार के आने से मछुआरों को कुछ हद तक सुविधाएं मिलनी शुरू तो हुई हैं, लेकिन मछुआरों की मांग है कि सरकार को उनकी तरफ थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मछुआरों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मछुआरी के साथ साथ सरकार ने अभी इस व्यवसाय को भी अनुदान देना चाहिए, ऐसा संयुक्त भारत की तरफ से हमें लगता है। सरकार की अनुदान, सरकार की सेवा मछुआरों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उनका बिजनेस, उनका जो भी रोजी रोटी है वो बढ़नी चाहिए। तृप्ति पारसनीस, श्रेष्ठ भारत, अलीबाग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।